मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 में लगी हुई है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सैयद जाफर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हमारे साथ सैयद जाफर जी, उन्हीं से जान लेते हैं आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आपने कांग्रेस का इतना लंबे समय का सफर छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास के नारे को मैंने बड़ा चिंतन और मंथन किया। मैंने 1925 को संघ की जो स्थापना हुई थी उनके जो एजेंडे थे उस एजेंडे का मंथन किया, चिंतन किया और हमने पाया कि कांग्रेस लगातार अपने मूल उद्देश्यों से भटक रही है, कन्फ्यूज हो रही है, अपने वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर रही है, वक्त आने पर सही युवाओं को नेतृत्व नहीं दे रही है और इन सब चीज को देखते हुए जो हिंदुस्तान की जनता है वो इस एजेंडे को मजबूत इस एजेंडे को के साथ खड़ी है। मैं भी उसी लोकतंत्र का एक पार्ट बनना चाहता हूं। आपको भी कमलनाथ जी का एक बड़ा खास कहा जाता था और आपने सुबह एक ट्वीट भी जो किया है उसमें चार ऐसे फोटो जिसमें पंकज चतुर्वेदी, नरेंद्र सलूजा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप और कमलनाथ है, बाकी सब तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो आपका ये संदेश है कि कमलनाथ जी भी जल्द भारतीय जनता पार्टी में आएंगे? ये मेरी औकात, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतने बड़े नेता के बारे में कोई बात कहूं। मेरी उनके उनके जीवन को लेकर, उनकी खुशहाली को लेकर मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आज मेरा लक्ष्य यह है कि मैं मोदी जी के परिवार में शामिल होकर उनके कुनबे को बढ़ाते हुए आदरणीय बंटी साहू जी को विजय कराने में अपना योगदान। जी से बात हुई इस बारे में जब आप भाजपा में आ रहे थे? मेरी 3-4 दिन पहले तक उनसे चर्चा होती थी और वो मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है, वो हमेशा रहेगा। राजनीतिक चर्चाएं मैं समाप्त कर जीतू पटवारी से बात हुई इसे को लेकर? वो मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और मेरी लगातार उनसे बात होती रहती है। अब सवाल वो उसका खत्म हो चुका है, अब छिंदवाड़ा में आदरणीय बंटी साहू जी को एक मोदी जी की माला में पिरोने का काम शुरू हुआ है। बिल्कुल, ये सैयद जाफर है, कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इनका कहना है कि छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल कराना है, इसके लिए वे तन मन धन से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सरकार बनवाएंगे। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।